हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीगेंस ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के बेसिस पर लीगेंस कितने टाइप के होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लीगेंस को दो टाइप में पढ़ा था, लीगेंस ऑन द बेसिस ऑफ आयंस एंड लीगेंस ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। आज हम लोगों को पढ़ना है लीगेंस ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, जिसमें तीन टाइप के लिगेंड्स हम लोग पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वो दो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जो इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बनाए हैं, तो उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप पहले उन दो वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि जब आप तीसरा वीडियो देखेंगे, ये जो हम लोग देख रहे हैं इस टाइम पर, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाकर के पहले उन वीडियोज़ को जरूर देखें और फिर हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। इससे पहले आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोगों को पढ़ना है लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के बेसिस पर आज हम लोग लिगेंड्स को क्लासीफाई करेंगे, जिसमें हमको तीन टाइप के लिगेंड्स पढ़ने हैं। लिगेंड्स फ्लैक्सी डेंटेट लिगेंड्स, एम्पी डेंटेट लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड। फ्लैक्सीडेंटेट नंबर एक, नंबर दो एम्पीडेंटेट और नंबर तीन चिलेटिंग लिगेंड्स। इन पर हम अगर बोर्ड्स में बात करें तो बोर्ड पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और कंपिटेटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस चैप्टर का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। तो आइए पहला डेंटेट हम लोग देखते हैं, फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लैक्सी का मतलब होता है फ्लैक्सीबल, डेंटेट यानी कि कितने लोन पेयर्स डोनेट कर सकता है। तो लोन पेयर डोनेट करने में वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब जितने चाहे उतने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। हमें इससे मतलब नहीं है कि उसके पास कितने लोन पेयर्स हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं इन 10,000 रुपये को किसी को डोनेट करने के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 2,000 रुपये देते हैं, आप 3,000 देते हैं, आप 4,000 रुपये डोनेट करते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हैं, पूरी तरीके से आपके पास फ्रीडम है कि आप कितना डोनेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इनके पास कितने लोन पेयर हैं इससे मतलब नहीं है, ये कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं वो कहलाता है फ्लैक्सीडेंटेड। ऐसे लीगेंड्स जो होते हैं वो कहलाते हैं फ्लैक्सीडेंटेड। डेफिनेशन क्या है, द लीगेंड्स विच डू नॉट नेसेसरली यूजेज ऑल इट्स डोनर साइट टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमें इससे मतलब नहीं है कि इनके पास कितनी डोनर साइट्स हैं, ये अपनी सारी की सारी डोनर साइट से, जरूरी नहीं है ऐसा कि अपनी सारी डोनर साइट को डोनेट कर दें और वहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लें। अगर लोन पे डोनेट करेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो अगर पहले ही लिखा है डज नॉट, डू नॉट नेसेसरी, तो नेसेसरी नहीं है कि अपनी सारी की, हो सकता है ये अपने सारे लोन पेयर को डोनेट कर दे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने सारे लोन पेयर डोनेट ही करें, ठीक है। तो इस टाइप के लिगेंड्स कहलाते हैं फ्लैक्सीडेंटेड। इन EDTA, EDTA हम लोग देख चुके हैं पहले भी, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटेटो, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसके पास कितनी डोनर साइट्स हैं, 6 डोनर साइट इसके पास प्रेजेंट है। तो 6 डोनर साइट्स इसके पास प्रेजेंट हैं, सिक्स डोनर साइट इसके पास प्रेजेंट है जिससे ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ठीक है। बट समटाइम्स इट बिहेव्स एज, कभी कभी ये बिहेव करता है एज ट्राइडेंटेड, यानी अपने 3 लोन पेयर को डोनेट करता है। कभी कभी ये टेट्राडेंटेड, यानी 4 लोन पेयर को डोनेट कर देता है। कभी कभी ये हेक्साडेंटेड की तरह भी शो करता है, यानी अपनी 6 डोनर साइट्स में से 6 को ही डोनेट कर देता है। तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं फ्लैक्सिबल डेंटेट, ठीक है, फ्लैक्सिबल डेंटेट लिगेंड्स। देखिए कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे
हमारे पास एग्जाम्पल है सी आर ओ एच ई डी टी ए प्लस 3, यहाँ पर ये पेंटाडेंटेट है, और अगर दूसरा देखें तो ये पी डी एच टू ई डी टी ए प्लस 2, ये टेट्राडेंटेट है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये पेंटाडेंटेट कैसे है, ये टेट्राडेंटेट कैसे है। देखिए यहाँ पर ये जो सी आर है, ये इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकालेंगे तो 6 आएगा। अब ये कैसे निकालते हैं ये हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखेंगे वहाँ से आप इसको सीख पाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये प्लस 3 स्टेट में है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इसने OH से बना लिया, बचे हैं 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये EDTA से बनाएगा। 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने EDTA से बनाया, तो अब ये 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड EDTA तभी बना पाएगा जब ये अपने 5 डोनर साइट्स को डोनेट कर देगा, जबकि 5 डोनर साइट पे 5 लोन पेयर इसके जब डोनेट कर देगा तभी तो ये 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। तो इस वजह से ये पेंटाडेंटेट कहलाता है। अगर अपनी 5 डोनर साइट इसने डोनेट कर दी तो कैसा डेंटेट कहलाएगा, पेंटाडेंटेट। दूसरे में देखिए PD में, अब यहां पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। अब इसने 2 बॉन्ड तो यहां बना लिए, H हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बना लिए, बचे हैं 4, 4 बॉन्ड इसने बनाए EDTA से। तो अगर कोई 4 बॉन्ड बनाता है, यानी अपने 4 उसके पास डोनर साइट्स हैं, तो वो क्या कहलाता है, टेट्राडेंटेट। तो ये टेट्राडेंटेट कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि जो SO4-2 होता है, ये कभी कभी मोनोडेंटेट की तरह और कहीं पर ये बाइडेंटेट की तरह लिगेंड एक्ट करता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पर ये कब स्टेबल है, कब अनस्टेबल है। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। एक्चुअली 2 एग्जांपल लेंगे, जिसमें एक में ये मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा होगा और एक में ये बाइडेंटेट की तरह काम कर रहा होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल हमारे सामने है। अब देखिए यहां पर ये एग्जांपल जो हमारे सामने है, यहां पर जो ये EN है, ये और ये लिगेंड्स है यहां पर। अब जो EN है, एक EN की काबिलियत होती है, एक EN की काबिलियत है कि वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। यहां पर 2 EN है, ठीक है ना, तो जब 2 EN है तो इसका मतलब ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक EN 2, तो 2 EN 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को देखने से पहले आप एक बार पूरा समझ लीजिए। ये जो SO4-2 होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये S और चारों इसके सराउंडिंग में आ जाते हैं, एक O, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब यहां पर -2 चार्ज भी होता है, तो इसके पास एक -4, इसके पास एक -4, एक सिंगल बॉन्ड यहां से, एक सिंगल बॉन्ड यहां से, इनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और फिर ये डबल बॉन्ड बना करके ये वाले ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब यही वाला स्ट्रक्चर अगर हम यहां पर देखें तो ये जो CO है, ये CO, ठीक है, ये यहां पर 2 बॉन्ड यहां से और 2 बॉन्ड यहां से बना लिए इसने। देखिए 4 बॉन्ड, 1, 2, 3 और 4, मैंने आपको पहले बताया एक EN 2 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 EN है तो 4 बॉन्ड बना पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहां पर देखेंगे तो ये जो माइनस वाले चार्ज हैं, ये थोड़ा सा गलत बना है, यहां पर डबल बॉन्ड होगा और यहां पर भी डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो माइनस चार्ज वाले हैं, ये और ये वाला, ये यहां से इसने अपने लिगेंड्स लोन पेयर को डोनेट किया और ये वाला बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका बन गया। और ये बाइडेंटेट क्यों है, क्योंकि इसने 2 लोन पेयर्स को डोनेट किया है, देखिए एक यहां से एक यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट कहलाएगा। लेकिन एक चीज समझने वाली है यहां पर, ये एक रिंग बना रहा है। आप देखिए यहां पर से ये एक रिंग बना रहा है, और रिंग में कितने मेंबर हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 मेंबर हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर सिर्फ 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग ही स्टेबल होती है, 4 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होती। ठीक है, या तो 5 मेंबर्ड रिंग हो या 6 मेंबर्ड रिंग हो तभी स्टेबल होगी, या तो कोई रिंग ही ना बने तो स्टेबल होगा। ठीक है, यहां पर 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है इसलिए ये अनस्टेबल होगा। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें मोनोडेंटेट में, तो यहां पर आप देखिए ये जो CO है, ये 5 तो NH3 से बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड यहां से बनाएगा, तो यानी कि रिंग बनने का चांस ही नहीं है। तो आप यहां पर भी देख लीजिए, 5 बॉन्ड इसने NH3 से बना लिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 बॉन्ड यहां से बना लिए, और छठवां बॉन्ड ये यहां से बना लिया जो इसके ऊपर माइनस चार्ज था। ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ है,
यहाँ से, और एक इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ पर से ये बन जाएगा। तो हमें लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसको और एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए कि ये मोनोडेंटेट की तरह ही काम क्यों करेगा, क्योंकि हमेशा सभी लोग पूरे यूनिवर्स में क्या कहाँ भागते हैं, स्टेबल होने की तरफ भागते हैं, तो ये भी स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा। SO4 माइनस टू जो होता है, SO4 माइनस टू प्रेफर्स टू एक्ट एज मोनोडेंटेट लिगेंड। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप बाइडेंटेट को पहले देखें तो बाइडेंटेट में यहाँ पर जो सल्फर है ये कैसा है, ये जो सल्फर है ये कैसा है, बाइडेंटेट है। यहाँ पर ये फोर मेंबर्ड की रिंग बना रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया फोर मेंबर्ड की क्या कर रहा है, ये एक रिंग फॉर्म कर रहा है। इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से ये क्या होगा, अनस्टेबल कहलाएगा, ठीक है, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो कोई रिंग ही नहीं बन रही है, स्ट्रक्चर फिर से थोड़ा सा गड़बड़ है देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई रिंग ही नहीं बन रही है, यहाँ पर सल्फर एक्ट एज मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा है, और इस वजह से ये क्या है, स्टेबल है। इसीलिए ये क्या करता है, प्रेफर टू एक्ट एज मोनोडेंटेट लिगेंड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे एम्पीडेंटेट की तरफ। देखिए एम्पीडेंटेट क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताइए कि बताइएगा कि आपको लिगेंड समझ में आए हैं या नहीं। ये सबसे ज़्यादा सभी बच्चों को ये टफ लगते हैं कि ये क्या होते हैं, बट आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एम्पीडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है, देखिए एमपी का मतलब होता है कि मोर देन वन साइट, मोर देन वन डोनर साइट, ठीक है, एक से ज़्यादा। यहाँ पर टू टाइप ऑफ डोनर साइट्स लिखा हुआ है, बट इसका एक्चुअल मतलब ये आप लोगों में सिर्फ यही है कि दो जिसमें डोनर साइट्स होती हैं वो एम्पीडेंटेट कहलाते हैं, ठीक है। बट इसका एक्चुअल मतलब ये है कि एक से ज़्यादा, मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर साइट्स, मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर साइट, वन टाइप्स ऑफ डोनर साइट, ठीक है, डोनर साइट। तो ये क्या कहलाता है, एम्पीडेंटेट। यानी जैसे ये जो सी एन है, आप इसको यहाँ से समझिए कि ये जो सी एन है, यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये यहाँ से ये वाला एन भी अपना लोन पे डोनेट कर सकता है इधर से भी, और ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन ये कार्बन जो है ये भी अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके एम्पीडेंटेड हो जाएंगे। अगर आप NO2 को देखें, ठीक है, NO2 को देखें तो एक तो NO2 ऐसा है, यहां से ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। दूसरे में अगर हम देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ONO, ये भी तो NO2 लिखा है, और यहां से ये ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो देखिए नाइट्रोजन भी डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर रहा है और कार्बन भी डोनेट कर रहा है, तो ये कैसे एम्पीडेंटेड है। इधर देख लीजिए SCN- में SCN पे नाइट्रोजन तो डोनेट कर ही सकता है, और NCS ये भी डोनेट कर सकता है, S भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो आप यहां पर देख लीजिए कि एक से ज्यादा एटम्स हैं जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, तो इस टाइप के लिगेंड्स क्या कहलाते हैं, एम्पीडेंटेट लिगेंड्स कहलाते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है, लिगेंड्स विच हैव टू टाइप्स ऑफ डोनर्स, डोनर एटम्स आर एम्पीडेंटेट लिगेंड्स। और बहुत अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए कि अगर आपने ये तीन पढ़ लिए ना, तो इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे आगे आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। तो आप इन तीन को अच्छे से समझ लीजिए, इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं आगे, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टफ लगने वाला वो है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड बहुत ईजी है, सबसे ज्यादा आपको टफ लगता है, आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है चिलेटिंग। तो चिलेटिंग का सिंपल सा एक मतलब समझ लीजिए, रिंग, एक सिंपल सा मतलब इस चिलेट का समझ लीजिए कि रिंग का फॉर्मेशन होना, रिंग फॉर्म्ड, ठीक है। अब अगर लिगेंट है तो आपको पता है कि लिगेंट क्या होता है, लिगेंट का क्या करता है, ये सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पेयर्स को डोनेट करता है। सीधी सी बात आपको पता है कि अपने लोन पेयर्स को कहाँ डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को। तो ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पेयर को डोनेट करने के बाद रिंग का फॉर्मेशन कर ले, ऐसे लिगेंड्स कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर दिया, और डोनेट करने के बाद एक रिंग का फॉर्मेशन कर लें, वो कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। सबसे इजी वे में मैंने आपको समझा दिया, डेफिनेशन देख लीजिए क्या लिखा है, द लिगेंड्स विच आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर्स टू
सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म रिंग इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। ये क्या कहलाते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या है? फायदा क्या है चिलेटिंग लिगेंड्स का? तो चिलेटिंग लिगेंड्स का फायदा ये है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ चिलेटिंग रिंग बनने के बाद जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें जितने ज्यादा उसमें चिलेशन होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे अगर दो में कंपैरिजन करवाएंगे, दो कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम कंपैरिजन करवाएंगे तो हम उसमें ये देखेंगे, अगर स्टेबिलिटी की कंपैरिजन करवाएंगे स्टेबिलिटी के लिए, तो हम उसमें ये देखेंगे कि किसमें ज़्यादा रिंग बन रही हैं। जिसमें ज़्यादा रिंग बनेंगी, 5 to 6 मेंबर जितनी ज़्यादा रिंग बनेंगी वो क्या कहलाएगा? मोर स्टेबल कहलाएगा। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसा है कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, CuEn का होल ट्वाइस प्लस 2। इसको हम लोग पहले देखते हैं कि इसको इजी वे में कैसे बना सकते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, CuEn का होल ट्वाइस और इसके ऊपर प्लस 2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए En क्या है। En मैंने आपको इसलिए मैंने कहा कि आप लोग सेकेंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए, जैसे कि आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें समझ आ पाएँ। ठीक है, लिंक मैं फिर बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर के इन वीडियोज़ को जरूर देखिए। ठीक है, En क्या होता है? En का मतलब है NH2, CH2 और NH2। ठीक है, यही तो है En का मतलब। दो En है, चलिए एक और En बना लेते हैं, NH2, CH2 और NH2। ठीक है, और क्या है? Cu है, एक Cu यहां लगा लेते हैं। अब ये जो Cu है इसका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो ये आएगा 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो यहां पर चार बॉन्ड बनेंगे, तो देखिए एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड, चार बॉन्ड बन गए। अब अगर आप ध्यान से देखिए इस चीज को, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फाइव मेंबर रिंग बन रही है। इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फाइव मेंबर रिंग बन रही है, एक रिंग बन रही है, देखिए ये एक रिंग बन रही है, ये देखिए एक रिंग बन रही है। तो इसमें टोटल कितने रिंग बनी है? 2 रिंग बन रही है। ठीक है, और 5 मेंबर्ड की रिंग बन रही है, इस वजह से ये क्या होगा? एक स्टेबल होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब अगर आपको ये देखिए जरा बुक में किस तरीके से बना हुआ होता है, ये देखिए यहाँ पर Cu प्लस 2 में है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा? 4 आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, En का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया, इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन का मतलब क्या होता है? CH2, डबल बॉन्ड के साथ CH2। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और उसे एक तरफ NH2 दूसरी तरफ NH2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा En। ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन। अब देखिए यहां पर क्या किया गया, जो जैसा कि मैंने बताया था उसको साइड साइड में लगा दिया गया है। देखो CH2 इधर NH2 इधर NH2, इसको थोड़ा सा मोड़ दिया गया, यहां से इसको मोड़ दिया गया है। अब एक बॉन्ड यहां से, दूसरा बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से और चौथा यहां से। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो 4 बॉन्ड बन गए, ये प्लस 2। अब इधर देखिए अगर तो ये एक मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर और पांचवा मेंबर, पांच मेंबर की रिंग कंप्लीट हो गई। ये देखिए एक रिंग बन गई पांच मेंबर की। और इधर देखिए अगर तो ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर, ये चौथा मेंबर, ये पांचवा मेंबर, पांच मेंबर की कितने रिंग बन गई? 2 रिंग बन गई, पांच मेंबर की 2 रिंग बन गई, एक रिंग ये है और दूसरी रिंग ये है पांच मेंबर की। ठीक है, तो ये एक स्टेबल हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें तो अब हम लोग एक और स्ट्रक्चर आपको बताते हैं जिसमें हम लोग कंपेयर कराएंगे कि कौन स्ट्रांग है, कि जैसे दोनों में रिंग फॉर्मेशन हो रही होंगी तो हम आपको बताएंगे कि कौन स्ट्रांग है। अब जैसे जैसे मैं इसको रफ कर देता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये ना केवल आपको 12th में काम आएगा बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर मदद करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक दो और एग्जांपल्स को देखते हैं।
देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया एफ ई ई एन का होल थ्राइस और प्लस थ्री, ठीक है, और दूसरा मैंने लिया एफ ई के साथ ई डी टी ए, ई डी टी ए और यहां पर माइनस वन चार्ज ले लिया, ठीक है। अब बताना यह है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाएं तो आप सबसे पहले ई एन को बनाइए। ई एन को बनाएंगे कैसे, देखो ई एन को जैसे हमने पहले बनाया था इसको ऐसे ही बनाएंगे, सी एच टू एन एच टू सी एच टू सी एच टू और एन एच टू, ठीक। दूसरा फिर वैसे ही बनाइए एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू, ठीक है। और एक आप सीधा सीधा बना दीजिए थोड़ा सा स्टाइल मार के, एन एच टू सी एच टू सी एच टू और एन एच टू, ठीक है। और एक आपके पास एफ ई है, एक एफ ई है, ठीक है, उस एफ ई को आप बीच में लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये आप यहाँ पर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा और एक बॉन्ड यहाँ से और एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए कितनी रिंग बन रही हैं, अब देखिए रिंग कितनी बन रही है आपके पास, ये देखिए पहली रिंग, एक रिंग, ये दूसरी रिंग और ये तीसरी रिंग, तीन रिंग आपके पास बन रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप कॉम्प्लेक्सेस को देख रहे हैं, उनके कंपैरिजन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में तो जिसके पास ज्यादा रिंग होंगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये यहां पर ये हो गया तीन, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसका आप बनाइए, यहां पर कितने थ्री रिंग बनी है, फाइव मेंबर की, फाइव मेंबर्ड थ्री रिंग बनी है, थ्री रिंग, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं ईडीटीए, ईडीटीए को बनाना है, एक ईडीटीए है, कैसे बनाते हैं, सी एच टू लगाओ, इधर भी सी एच टू, ठीक है, इसके साथ एन और इसके साथ भी एन, ये लगा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एसीटेटो ग्रुप लगा देना है। एसीटेटो क्या होता है, सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस और इधर भी सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस, ठीक है, और यहां पर भी क्या सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस ओ ओ माइनस और यहां पर भी सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, ये ग्रुप यहां पर भी लग जाएगा। अब क्या होगा, अब यहां पर आप क्या करें, एक एफ ई है तो एक एफ ई यहां पर आप ले लीजिए। अब कितने बॉन्ड बनेंगे, अब देखिए एक लोन पेयर, तो ये हेक्साडेंटेट है ये, तो दो ये हो गए, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा पांचवा और छठा, छह लोन पेयर है, छह लोन पेयर है, इसका मतलब यहां पर रिंग कितनी बनेंगी, छह लोन पेयर है तो रिंग कितनी बनेंगी, देखिए एक तो यहां से, दूसरी ये एक रिंग बन गई है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा यहां से, जितने हैं उस सब बना दीजिए और ये एक ये। अगर यहां पर आप देखिए तो यहां पर फाइव मेंबर्ड की पांच रिंग बन रही है, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, फाइव मेंबर्ड की कितने रिंग बनेंगी, देखिए एक तो ये बन रही है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी यहां पर बन रही है और पांचवीं ये रिंग बन रही है, तो पांच रिंग यहां पर बन रही है, फाइव मेंबर्ड की, फाइव मेंबर की फाइव रिंग्स बन रही है यहां पर, फाइव मेंबर की फाइव रिंग का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। अब आप बताइए कि कौन स्टेबल होगा, और बे सीधी सी बात है कि एफ ई ई डी टी ए माइनस ये ही स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास पांच मेंबर की पांच रिंग प्रेजेंट है लेकिन यहां पर फाइव मेंबर की तीन रिंग ही प्रेजेंट है, इसलिए इन दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट की अगर बात करें स्टेबिलिटी में तो ये स्टेबल ज्यादा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है इन तीनों टॉपिक्स को बहुत ही इजीली समझाने के लिए, समझाने में मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। आपको अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। इसके बाद हम लोग जो अपना नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग आपको ऑक्सीडेशन नंबर को समझाएंगे, और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर को समझाऊंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अभी सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये लीगेंड समझ में आए हैं या नहीं समझ में आए हैं, या कोई डाउट है तो मैं उसको क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।